स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है तो आज की इस स्पेशल वीडियो में आपको एमपी बोर्ड की कक्षा नौवीं से लेकर बारहवीं तक परीक्षा के प्रश्न बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि कब तक आपके प्रश्न बैंक जारी कर दिए जाएंगे और कहाँ से आप अपने प्रश्न बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं ये सारी कुछ जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बस जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न बैंक को जानने के लिए कि प्रश्न बैंक आपके कहाँ मिलेंगे और कब तक जारी होंगे सबसे पहले तो मैं आपको प्रश्न बैंक को चेक करने का तरीका बताता हूँ कि कहाँ से आपको प्रश्न बैंक को डाउनलोड करना है और अभी तक आपके प्रश्न जारी हुए या फिर नए हुए इसके लिए आपको अपने मोबाइल से किसी भी ब्राउज़र पर चले जाना है मैं यहाँ पर गूगल पर आ चुका हूँ तो ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सिंपली आपको सर्च बॉक्स में जाकर आपको यहाँ पर टाइप करना है विमर्श क्या टाइप करना है बच्चों विमर्श ठीक है आपको सर्च बॉक्स पर जाकर विमर्श को टाइप कर देना है इस तरीके से आप विमर्श की स्पेलिंग देख लीजिए ओ वी आई एम ए आर एस एच ये विमर्श आपको सर्च बॉक्स में टाइप कर देना है ठीक है जब आप टाइप करेंगे तो जिस तरीके से इसका इंटरफेस नजर आएगा विमर्श एम पी गवर्नमेंट डॉट इन तो सिंपली आपको यहाँ पे ये विमर्श स्कूल एजुकेशन लिखा हुआ दिख रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है चलिए हम इसको क्लिक करते हैं जब आप क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से इसका इंटरफेस नजर आएगा तो यहाँ पे देख लीजिए ये विमर्श की ऑफिशियल साइट ओपन हो चुकी है और इसी ऑफिशियल साइट पर ही प्रश्न बैंक को अपलोड किया जाता है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है ठीके? अब आगे इसमें आपको करना क्या है चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाता हूँ तो आपको इसको ड्रेक्ट करते हुए नीचे आना है नीचे जब आएंगे आप तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ आपको देखने को मिलेगा परीक्षा संबंधित सामग्री के लिए यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ है सेकेंड नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसमें लिखा है परीक्षा संबंधित सामग्री के लिए यहाँ क्लिक करें ठीक है और न्यू भी लिखा आ रहा है यहाँ पर ठीक है तो आपको बच्चों करना है क्या है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है ठीक है जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस नज़र आएगा अब यहाँ पे देखो आपको करना है क्या है देखो एक एक बात को बड़े ध्यान से समझना इधर एक क्लास है और साइड में यहाँ पे सब्जेक्ट है अब जिस भी सब्जेक्ट का और जिस भी क्लास का आपको प्रश्न बैंक डाउनलोड करना है वो यहीं आपको मिलेगा तो इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं और आपको क्लास नाइन्थ टेंथ एलेवेंथ ट्वेल्थ ये चारों ही क्लासेज आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपको जो भी क्लास का डाउनलोड करना है जैसे कि आपको सपोज ट्वेल्थ का करना है तो आप ट्वेल्थ पे ले लीजिए ठीक है अभी ट्वेल्थ के सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रश्न बैंक आ गए हैं और पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को आपको लेना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए देखिए ये सब्जेक्ट के आपके ऑप्शन हैं तो ये आपका केमिस्ट्री का है राजनीतिक शास्त्र है भौतिक शास्त्र है भूगोल है और ऊपर आप देखिए ये आपके सभी स्ट्रीम के आपको देखने को मिल जाएंगे चाहे आप बायो के स्टूडेंट्स हों या फिर कॉमर्स के हों या फिर आर्ट्स के हों सभी के यहाँ पे सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट का आपको प्रश्न बैंक डाउनलोड करना है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो अब ये ऑल सब्जेक्ट आ गए अब यहाँ पे नीचे देखिए इधर ये क्लास ट्वेल्थ है ये सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के आ गए ये क्वेश्चन बैंक है और ये ब्लू है ठीक है तो अब यहाँ पर जो ब्लू आपको देख रहे हैं ना क्लिक टू व्यू इन्हीं पर क्लिक करके आप क्वेश्चन बैंक को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अब देखिए लेकिन ये जो क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं अभी इनको आप डाउनलोड करेंगे तो ये दो हज़ार बाईस और दो हज़ार तेईस का डाउनलोड होगा क्योंकि ये पिछले साल का डाउनलोड होगा क्योंकि नया अभी दो हज़ार तेईस और दो हज़ार चौबीस का जो प्रश्न बैंक है वो अभी नहीं आया है इसको जारी नहीं किया गया है लास्ट ईयर अगस्त में ही जारी कर दिया गया था स्टार्टिंग में आ गए थे लेकिन अब थोड़ा सा टाइम लग सकता है हो सकता है आपके टर्मिनल एग्जाम के बाद आपका क्वेश्चन बैंक को जारी कर दिया जाए तो अब आप इसको क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ से डाउनलोड तो हो जाएगा लेकिन ये पिछला होगा मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कोई भी सब्जेक्ट का लेता हूँ मैं जैसे कि यहाँ से मैं लेता हूँ हिंदी का ठीक है इस पर हमने क्लिक करा और डाउनलोड अगेन लिखा आ रहा है अब इस पर क्लिक करते हैं इसको ओपन करते हैं अब यहाँ पर देखिए ये आपको प्रश्न बैंक दो हज़ार का दिख रहा है यानी कि जो लास्ट सेशन का है तो दो हज़ार बाईस तेईस का ये आपको क्वेश्चन भाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा प्रश्न बैंक है ठीक है लेकिन आपका तो जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है दो हज़ार तेईस और चौबीस का चल रहा है ठीक है तो जो आपका करेंट सेशन चल रहा है इसके अभी क्वेश्चन बैंक डाउनलोड नहीं कर पाएंगे आप ये अभी जारी नहीं किए गए हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा इसके लिए आपको ये साइट को बार बार चेक करना होगा ठीक है तो आप बीच बीच में इसको चेक करते रहिए कभी भी ये आपके क्वेश्चन बैंक आ सकते हैं जब भी आएंगे तो यहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं इसलिए आप इसको बीच बीच में चेक करते रहिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको विमर्श पोर्टल पे चले जाना है और विमर्श की साइट पे जाके सिंपली वहाँ से आपको चेक करना है जब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं तो इजीली वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा और पीडीएफ्स की डाउनलोड करने के बाद आप इसकी अकॉर्डिंग स्टडी स्टार्ट कर दीजिएगा ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है आप इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में ओके स्टूडेंट्स सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा दी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो so दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग